हेलो एस्पिरेंट्स, स्वागत है आप सबका आज के वीडियो में। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ द डे है वो है ब्रिक्स, मतलब ब्रिक्स के बारे में इन डिटेल हमें आज के वीडियो में पढ़ना है। तो जल्दी से निकालें अपना पेपर पेन एंड करें वीडियो के साथ में ही अपनी नोट्स मेकिंग स्टार्ट। तो देखिए, ब्रिक्स की सबसे पहले तो फुल फॉर्म पता होना जरूरी है, ठीक है। सो ब्रिक्स इज द एक्रोनियम फॉर 5 लीडिंग इमर्जिंग इकोनॉमीज। वो इकोनॉमीज जो काफी ज्यादा लीड कर रही हैं, ग्रो कर रही हैं, उनका एक ग्रुप बना है। और ये जो है, हर एक जैसे फर्स्ट अल्फाबेट है तो ये एक कंट्री के लिए जो है बिलोंग करता है। आर जो है इससे एक कंट्री है, आई जो है इससे एक कंट्री है। तो इसमें 5 अल्फाबेट्स हैं, तो पांचों से जो है एक एक कंट्री का नाम स्टार्ट होता है, ठीक है। अब ब्रिक्स में अगर बात करें तो बी से ब्राजील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना एंड एस से साउथ अफ्रीका। अब आपको पता होना चाहिए ब्राजील कौन से कॉन्टिनेंट में है, क्या इसके कैपिटल है ब्रासिलिया, रशिया का कॉन्टिनेंट, रशिया की कैपिटल, इंडिया का तो आपको पता ही होगा, चाइना का आपको पता होगा, साउथ अफ्रीका नाम से पता चलता है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में है, ठीक है। तो बस इन 5 कंट्रीज के लीडर्स इसमें शामिल हैं और वो इन 5ों कंट्रीज की ग्रोथ के बारे में यहाँ पे डिस्कस करते हैं, ठीक है। सो इनिशियली अब हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन कहाँ पे हुई, हेडक्वार्टर्स कहाँ पे थे, इसमें की लीडर्स कौन कौन से हैं, समिट्स कब कब हुई, वो सब हमें अभी आज की वीडियो में पढ़ना है, ठीक है। तो बस थोड़ा सा पेशेंस बना के रखें, बहुत ज़्यादा छोटी वीडियो होने वाली है, राइट। सो इनिशियली बात करें तो ये ब्रिक्स नहीं था, सिर्फ ब्रिक था, मतलब एस फॉर साउथ अफ्रीका नहीं था, तो मतलब साउथ अफ्रीका भी इसका मेंबर नहीं था, ठीक है। एंड याद रखना है, साउथ अफ्रीका इज अ कंट्री, इट इज नॉट द साउदर्न पार्ट ऑफ अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, इट इज अ कंट्री, राइट। सो इनिशियली सिर्फ 4 ही कंट्रीज इसमें थी, ब्रिक यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया एंड चाइना 2001 में, ठीक है। अब ये जो हम वर्ड बात कर रहे हैं ना यहाँ पे, ब्रिक, ब्रिक्स है ना, तो इस टर्म की बात करते हैं कि ये टर्म हमने किसने दी। सो दिस पर्सन क्वाइंड द टर्म ब्रिक्स, ये ब्रिक्स टर्म इन्होंने दी है, जिम ओ'नील ने। इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो ये टर्म जो है गिवन बाय गोल्डमैन सैश इकोनॉमिस्ट जिम ओ'नील। अब गोल्डमैन सैश क्या है, देखिए, इट इज़ एन अमेरिकन मल्टीनेशनल इन्वेस्टमेंट बैंक, 1869 में बना था, न्यूयॉर्क सिटी में है। तो वहाँ के इकोनॉमिस्ट यानी गोल्डमैन सैच के इकोनॉमिस्ट थे, इस इन्वेस्टमेंट बैंक के इकोनॉमिस्ट थे जिम ओ'नील, उन्होंने ये टर्म दी थी ब्रिक्स, ठीक है। और ये टर्म क्या डिस्क्राइब करती थी, टू डिस्क्राइब फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमीज दैट वुड कलेक्टिवली डोमिनेट द ग्लोबल इकोनॉमी बाय 2050। तो इनके हिसाब से इन्होंने ब्रिक्स जो है ये टर्म दी थी, ये दी थी उन कंट्रीज, उन इकोनॉमीज को डिस्क्राइब करने के लिए जो एक साथ मिलकर ग्लोबल लेवल पे 2050 तक डोमिनेंट करेंगी वर्ल्ड में, मतलब मेन रोल जो है वो प्ले करेंगी, काफ़ी स्ट्रांग होंगी, काफ़ी लीडिंग इकोनॉमीज होंगी इस तरह से 2050 तक। तो इन्होंने आइडेंटिफाई किया था उस टाइम इन 4 कंट्रीज को, तो इस तरह से इन्होंने जो है टर्म दी थी। नाउ अगर इनिशियली 4 ही कंट्रीज थी, ठीक है, तो ये 5वां कहाँ से आया। अब यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, 2001 में फॉर्मेशन नहीं हुई है ब्रिक की, 2001 में सिर्फ नाम दिया गया है, मैंने कहीं भी नहीं लिखा है इसकी फॉर्मेशन, फॉर्मेशन मैं आपको आगे बताऊंगी, पहले हम थोड़ी सी स्टोरी पढ़ते हैं, ठीक है। तो आपको समझ आ गया ये टर्म किसने दी है, क्यों दी है, क्योंकि उनका मानना था कि ये जो 4 कंट्रीज हैं, ये जो 4 इकोनॉमीज हैं, लीड करेंगी वर्ल्ड को, ठीक है। नाउ अभी 5th कंट्री कब ऐड हुई है, तो ये साउथ अफ्रीका है, एस फॉर साउथ अफ्रीका, पहले ब्रिक्स था, एस छोटा मतलब ब्रिक्स इस तरह से बोलने के लिए, फिर बाद में एस फॉर साउथ अफ्रीका, ये कैपिटल कब हुआ, मतलब बड़ा कब हुआ एस, तो इट वाज एडेड इन 2010, मतलब 2010 में जो है ये ऐड किया गया था। अब ये हमने थोड़ी सी कहानी पढ़ी, अब जो डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं थोड़ा सा उनके बारे में भी जान लेते हैं, है ना। चलिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे कि की लीडर्स कौन कौन से थे यहाँ पे, फिर हम पढ़ेंगे इसकी फॉर्मेशन कब हुई, है ना, हेडक्वार्टर्स, तो हमने बस यही सब पढ़ना है। और हेडक्वार्टर्स का जो मैं आपको सिस्टम है वो भी समझाऊंगी, हेडक्वार्टर नहीं एक्चुअली इनकी समिट जो है वो रोटेट करती है, वो भी हम पढ़ेंगे। तो पहले की लीडर्स की बात करते हैं, BRICS, बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना एंड एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो ब्राज़ील के हेड होते हैं प्रेसिडेंट, रशिया के प्रेसिडेंट, इंडिया के होते हैं प्राइम मिनिस्टर, चाइना के प्रेसिडेंट, अफ्रीका के प्रेसिडेंट। सो हम पढ़ते हैं ना, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करते हैं, तो उस हिसाब से होता है, ठीक है। इस पे हम नहीं जाएंगे, इस टॉपिक पे।
सो ब्राज़ील, अब हम बात करें की लीडर्स कौन कौन से हैं ब्रिक्स के, तो ब्राज़ील के प्रेसिडेंट लूला डा सिल्वा, इसके ऊपर पूरा का पूरा हिंदू एडिटोरियल मैंने पढ़ाया है, ठीक है। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, इंडियन पीएम नरेंद्र मोदी, और ये चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, और साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामाफोसा। अब भाई प्रोनाउंसिएशन आप देख लीजिएगा, एक बार कमेंट भी आया था कि मैम ऐसे नहीं ऐसे है, तो भाई अगर आपको पता है तो अच्छी बात है ना। चलिए, ये लीडर्स हो गए हमारे। नाउ फॉर्मेशन कब हुई थी इसकी, तो एक्चुअल में जो ब्रिक्स बना है ना वो सितंबर 2006 में बना है, ठीक है। पहली समिट जो है इसकी 2009 में हुई है रशिया में। 14th समिट यानी कि 2022 की यानी पिछले साल की समिट चाइना में हुई है बीजिंग में, और अब 15th समिट जो कि 2023 चला है, इस साल की जो 15th समिट है मतलब 15th एडिशन होगा इस साल समिट, इस 15th समिट होगी 2023 में साउथ अफ्रीका में होगी। अब इस समिट डिसाइड कैसे होती है, तो देखो आपको कुछ याद नहीं रखना, बस इतना याद रख लो इस साल साउथ अफ्रीका में होगी, बाकी आपको सारी याद हो जाएंगे। कैसे, इनकी जो समिट है वो इस तरह से रोटेट करती है, ब्रिक्स है ठीक है, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, आपने याद कर लिया कि 2023 की साउथ अफ्रीका में होगी, ठीक है। तो 2024 की कहाँ होगी, ब्राज़ील में, 25 की रशिया में, 26 की इंडिया में, तो ऐसे ही हर साल जो है समिट एक एक कंट्री में रोटेट करती रहती, तो बड़ा मतलब ट्रांसपेरेंट सा काम है इनका, है ना। चलिए, हमारा आज का टॉपिक हो गया कंप्लीट, और मैंने कोशिश की है कि सारे के सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर सकूँ। तो अब आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, एंड आगे चलने से पहले आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि अगर अब आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, अपने इंस्टाग्राम अकाउंट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, आप चाहें तो मेरे हैंड रिटन नोट्स परचेज भी कर सकते हैं, नोट्स परचेज करने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तब तो आपको बहुत ही ज्यादा अच्छे से पता है कि क्या करना है, जल्दी से कर दीजिए चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को कीजिए प्रेस, सो दैट मैं जैसे कोई वीडियो अपलोड करूं सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचे, प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके साथ भी मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर करें, सो दैट इन हैंड रिटन नोट्स का उन्हें भी कुछ फायदा हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, आज हमने पढ़ा ब्रिक्स के बारे में, तो उसके नोट्स मेंटेन करें, रिविजन पे फोकस करें, राइट। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम किसी और जो है टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। सो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सो दैट्स इट गाइस एंड सी यू सून।